हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल घर घर की पसंद में। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू और चने दाल की सब्जी। इस लाजवाब सब्जी के लिए जो सब सामग्री हमने लिया है, चलिए एक बार उसे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिए हैं एक मीडियम साइज की कद्दू, जिसे धो के छील के अच्छे से काट लिए हैं। एक कप चने की दाल, जिसे अच्छे से धो के 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखे थे। दो बड़ी साइज प्याज, उसे भी कट कर लिया है। मसाले में हमने लिया है हल्दी 1 चम्मच, पंचफोरन 1 छोटी चम्मच, तेजपत्ता 4, नमक स्वादानुसार। दो मीडियम साइज के टमाटर, उसे भी धो के अच्छे से कट कर लिए हैं। पीसने के लिए जो मसाला हमने लिया है वो है सूखी लाल मिर्च, लहसुन और आदी मिर्ची, अपने टेस्ट के अनुसार दे सकते हैं। सारे मसाले को हम अब बारीक पीस लेंगे। और सब्जी हम बनाएंगे कुकर में, तो कुकर गर्म हो चुका है, उसमें 2 बड़ी चम्मच तेल हम गर्म कर चुके हैं, तो तेल ज़्यादा नहीं देना है। इसमें हम तेजपत्ता डाल देंगे और फिर पंचफोरन भी डाल देंगे। फिर कटा हुआ प्याज डालकर थोड़ी देर भुनेंगे। प्याज ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का भुनना है उसे। तो अब ये भुन चुका है, अब इसमें चने की दाल डाल देंगे, फिर हल्दी डाल देंगे। एक बार इस प्रकार से बनाकर खाइए घर में चने दाल और कद्दू की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और कुकर में बनाने से ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होता है। अब इसमें मसाला जो तैयार है पहले से, उस मसाले को और नमक को दोनों को मिलाकर अब इसको थोड़ा सा भुनेंगे, क्योंकि सब्जी में मसाला जब तक अच्छे से नहीं भुनाएगा तब तक सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, चाहे कोई भी सब्जी बनाते हो आप। तो मसाला भुनना मीडियम फ्लेम पर ज़रूरी है। अब इसमें कद्दू और कटा टमाटर दोनों डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, क्योंकि ये कद्दू और टमाटर है तो पानी छोड़ेगा और तब जल्दी भुनाएगा नहीं, क्योंकि मसाला तो मेरा पहले से भुना हुआ है। मसाला भुनने लगा है और सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और ये दिखने में भी लग रहा है जो ये भुना गया है। तो इसमें रस के लिए अब एक साइड गैस पे हम पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो गया है तो अब इसमें डाल देते हैं, और हम 2 गिलास पानी इसमें डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से पानी दीजिए। अब सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएंगे और 1 चुटकी कस्तूरी मेथी। अब सब्जी को मिक्स करेंगे और कुकर को सेट कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पकने देंगे। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मज़ेदार सब्जी बनकर है तैयार, आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट में बताइए रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।